हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए, फाइनली आपकी डिमांड पे यहाँ पर हमारे इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ये हमारा इंग्लिश का पहला सेशन है। आपको बताएं, हरियाणा पुलिस, पटवारी, क्लर्क, जेई जो भी एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं उन सब के अंदर इंग्लिश जो है 8 से 10 नंबर की आएगी। अब तो सिलेबस में भी आपको दिया हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आएंगी, स्लैश डाल के दिया हुआ है। ओके, तो देखिए, जो पुराना पेपर एनालाइज़ किया होगा आपने, तो आपने क्या देखा होगा कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश में फिल इन द ब्लैंक्स का जो टॉपिक है वो उठाया गया है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा गया है एग्जाम्स में, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स सिंटैक्स के हों, एडजेक्टिव के हों, एडवर्ब के हों, कंजक्शन के हों, प्रेपोजिशन के हों, किसी भी चीज़ के फिल इन द ब्लैंक्स हो, आपको सभी चैप्टर के कम से कम बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए। ओके, तो ये हमारा पहला सेशन है, तो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक रूल स्टार्ट करेंगे कि सिंगुलर फॉर्म के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। ओके, ताकि जो आने वाले क्लास में हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और आपका लेवल अच्छा होता रहेगा। ओके, तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले बता दूं एक चीज़ और, अगर आपने हरियाणा पुलिस और पटवारी दोनों के फॉर्म भरे हैं और आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इस परीक्षा ऐप का। यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे बिल्कुल नए पैटर्न के अनुसार, जिनका प्राइस है वहाँ पर 250 रुपीज़। बट अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे जो फाइंड 40, तो ये 15 की 15 प्रैक्टिस सेट आपको 149 में ही मिल जाएंगे। और ये बिल्कुल नए पैटर्न पर है, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, एडवांस मैथ सारा कुछ इंक्लूड है। ठीक है, जिससे आपको अपना लेवल पता लग जाएगा, आपकी तैयारी जो है और अच्छी डेवलप हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको जाकर जरूर चेकआउट कर लेना। ओके, तो देखिए, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, ताकि जो नए स्टूडेंट है जो इंग्लिश नहीं पढ़ते उनको भी इसमें यहाँ पर हेल्प मिले। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आपकी हमेशा जो है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, राइट। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है। सिंगुलर सब्जेक्ट तो आप समझ रहे होंगे एक वचन, प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन, यानी कि एक से अधिक कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, कोई जगह का नाम हो, कुछ भी हो। ओके, अब देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, राम, श्याम, द बॉय, द गर्ल, इट इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, अब प्लूरल सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो वी, यू, दे, राम एंड श्याम, दे बॉयज़, द गर्ल्स, ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इतना शायद आपको पता ही होगा, बट हमारी पहली क्लास है इसलिए सोच रहा हूँ बेसिक से किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर करनी है, जिसमें स्टूडेंट अगर कोई नया स्टूडेंट है तो 100% यहाँ पर गलती ज़रूर करेगा। अब देखिए, हमारे पास कोई नाउन है, उसके साथ अगर हम एस, ई एस या फिर आई ई एस लगा देंगे तो हमारा प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक है, बट वर्ब के केस में थोड़ा सा उल्टा है कि अगर हम किसी वर्ब के साथ एस, ई एस या फिर आई ई एस लगा दें तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब बन जाती है। जैसे आपको बता दूँ, डू है, ये हमारी क्या है, एक वर्ब है, तो ये इस टाइम प्लूरल है। अगर मैं इसके साथ ई एस लगा दूँ, डस कर दूँ, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, आगे वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को मैं कहूँगा कि आप पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के। वन ऑफ द पुपिल्स इन आवर क्लास डैश अ कार। पहले आप इसका खुद से आंसर सोच लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि वन ऑफ द पुपिल्स, यानी कि पुपिल्स में से कोई एक, वन ऑफ द पुपिल्स इन आवर क्लास डैश ऑन्स अ कार। तो यहाँ पर एक की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है। अब आपको देखना है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगानी है। तो देखिए, यहाँ पर ऑन जो है ये हमारी जो वर्ब है, अब अगर मैं इसको सिंगुलर लगाऊंगा तो मैंने क्या बोला है कि वर्ब के साथ अगर हमारा एस, ई एस या फिर आई ई एस लगेगा तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा ये। ओके, तो देखिए, यहाँ पर हमारा एस लगा हुआ है ऑन्स के साथ, तो ये हमारी ऑन्स जो है ये एक सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ऑन्स आएगा, वन ऑफ द पुपल्स इन आवर क्लास ऑन्स अ कार। ओके, कुछ स्टूडेंट जो यहाँ पर ऑन भी लगाएंगे, अगर कोई नया स्टूडेंट है वो सोचेंगे कि एस के साथ तो ये बहुवचन बन जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट, ये एक बुक का नाम है, डैश एन इंटरेस्टिंग बुक। तो द लॉयन ऑफ द ईस्ट, ये तो बिल्कुल सिंपल है, डैश एन इंटरेस्टिंग बुक, तो एक बुक की बात कर रहा है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगेगी, तो इज यहाँ पर बिल्कुल सिंगुलर वर्ब है, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इज आएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, 10 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक। अब देखिए, यहाँ पर बताऊँ, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर आर जरूर पुट करेंगे अगर कोई नया होगा, कि 10 किलोमीटर्स लिखा, यानी कि यहाँ पर प्लूरल है,
बट कभी भी आपकी अगर यूनिट इकट्ठे दी हो 10 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, 7 मील्स, इस टाइप से अगर कोई यूनिट दी हो आपके सामने, तो वो सिंगुलर का काम करती है, वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो जाता है। तो 10 किलोमीटर्स हमारा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमारी सिंगुलर वर्ब की फॉर्म लगेगी। तो सिंगुलर हमारा क्या है, यहाँ पर इज़ है, तो यहाँ पर हमारी कौन सी फॉर्म लगेगी, इज़, यानी कि सिंगुलर फॉर्म। तो 10 किलोमीटर इज़ ए लॉन्ग वे टू वॉक। उम्मीद करूँगा ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखिएगा, 2 and 2 - 4, ठीक है, 2 and 2 - 4, यानी कि 2 और 2 मिलकर क्या बनाते हैं, 4 बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा मेक्स। यहाँ पर हमारी कौन सी फॉर्म लगेगी, सिंगुलर फॉर्म लगेगी। आपको कहीं भी ऐसा सेंटेंस दिख जाए 5 and 5 makes 10, ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर फॉर्म ही लगानी है। ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन उठाए हैं जो कि एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है, मोहन एज वेल एज सोहन डैश गिल्टी। तो यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा, अब यहाँ पर हमारा नया रूल आएगा छोटा सा, कि जहाँ पर भी एज वेल एज हो, उससे पहले हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर वर्ब लगेगी, राइट। तो देखिए एज वेल एज हमारा है, इससे पहले हमारा सब्जेक्ट है मोहन, जो कि क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक पर्सन का नाम है, एक वचन है, तो इसके साथ ऑब्वियसली सी बात है कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, कौन सी वर्ब लगेगी, तो यहाँ पर हमारी लगेगी सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पर क्या है, वाज और वर में से वाज है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, वाज आएगा, ओके। मोहन एज वेल एज सोहन वाज गिल्टी। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज डैश इंग्लिश। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इसको खुद से चूज कर लेना। तो देखिए यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट्स यानी कि सभी की सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा है, इन आवर कॉलेज डैश इंग्लिश। अब यहाँ पर ऑल ऑफ द स्टूडेंट है, यानी कि ये क्या है, हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारी वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो अब इन दोनों में से प्लूरल वर्ब कौन सी होगी, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए लर्न जो है एक वर्ब है, इसके साथ मैंने एस या ईएस लगा दिया तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब बन जाती है, तो सिंगुलर वर्ब तो यहाँ पे आएगी नहीं, यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ पर जो लर्न है बिना एस वाला, वो यहाँ पर हमारा आएगा, राइट। तो ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज लर्न इंग्लिश, राइट। उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, ईच ऑफ दीज मिनरल्स डैश फाउंड इन इंडिया। अब यहाँ पर एक नया रूल आएगा, देखिए यहाँ पर ईच ऑफ है, ऐसे ही हमारा एक सब्जेक्ट होता है ईदर ऑफ, ऐसे ही हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, एक मिनट, ओके। तो देखिए यहाँ पर ईच ऑफ एक होता है हमारा ईदर ऑफ, ठीक है, इसके साथ ही हमारा आता है यहाँ पर नाइदर ऑफ। अब इनके साथ हमेशा अगर कभी भी प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो तो हमारी जो वर्ब की फॉर्म है वो हमारी कौन सी लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी, ठीक है। याद रखना ईच ऑफ ईदर ऑफ नीदर ऑफ, इनके साथ अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है जो कि मिनरल्स दिया हुआ है यहाँ पर प्लूरल, तो हमारी वर्ब की फॉर्म जो है वो सिंगुलर लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फॉर्म हमारी क्या है, सिंगुलर इज है, तो यहाँ पर हमारा इज आएगा यहाँ पर आंसर। ईच ऑफ दीज मिनरल्स इज फाउंड इन इंडिया, यानी कि सभी मिनरल्स में से प्रत्येक मिनरल्स इंडिया में पाए जाते हैं, ओके। और एक चीज़ और, अगर दो सब अगर हमारा एंड बीच में दिया है और ईच हमारा स्टार्टिंग में हो, यानी कि हमारा जो एंड से पहले ईच हो या एंड के बाद भी ईच हो, ठीक है, जैसे ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है सिंगुलर ही आएगा, ईच पेन एंड पेंसिल। और अगर एंड हमारा बीच में हो, अगर दोनों तरफ दिया हो ईच पेन एंड ईच पेंसिल, ठीक है, तो भी हमारी यहाँ पर सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। उम्मीद करूँगा समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट इज डेड। यहाँ पर आंसर बोल दिया मैंने, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट इज डेड। अब यहाँ पर देखिए इज क्यों आएगा, द ग्रेट पोएट एंड, अगर यहाँ पे एंड के बाद भी द होता, द ड्रामाटिस्ट,
तो ये दो पर्सन होते। अब यहाँ पर द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट है, द नहीं है, तो ये एक ही पर्सन की बात कर रहा है कि वो पोएट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है जिसकी डेथ हो चुकी है। तो वहाँ पर हमारा क्या आएगा, सिंगुलर फॉर्म आएगी। अगर द ग्रेट पोएट एंड द आ जाता यहाँ पर भी, द ड्रामेटिस्ट, तो ये दो अलग अलग पर्सन की बात करता, तो हम यहाँ पर प्लूरल फॉर्म लगाते। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। देख लेते हैं अगला भी, द ओरेटर एंड स्टेट्समैन डैश डेड। तो यहाँ पर भी एंड के बाद अगर द लग जाता तो ये दोनों अलग अलग पर्सन की बात करता, तो दो अलग अलग पर्सन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते। बट यहाँ पर द ओरेटर है एंड स्टेट्समैन दे रखा है, यानी कि ओरेटर भी वही है और स्टेटमैन भी वही है, एक ही पर्सन की बात कर रहा है ये, तो यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब लगेगी हमारी सिंगुलर, यानी कि इज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द किंग विद ऑल हिज मैनर्स डैश प्रेजेंट देयर। अब देखिए यहाँ पर एक रूल और है, विद जो होता है हमारा, इससे पहले हमारा जो भी सब्जेक्ट होगा द किंग, वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, तो इसके साथ हम वर्ब भी कौन सी लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। और विद से पहले अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हम जो वर्ब लगाएंगे वो भी हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो विद से पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द किंग, जो कि एक राजा की बात कर रहा है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे जो कि हमारी होगी वाज, तो यहाँ पर हमारा वाज जो है वो राइट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड। तो देखिए राइस एंड करीज में कुछ लोग जो है वहाँ पर आर जरूर पुट करेंगे कि दोनों अलग अलग चीज़ों की बात कर रहा है, राइस भी है और करी भी है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे राइस एंड करीज हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, इस टाइप से कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम एक ही साथ यूज़ कर लेते हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा हो, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करीज, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके साथ हम हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सिंगुलर फॉर्म इज़ है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, इज़ आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कॉच कॉपीराइट। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले मैं इसका आपको आंसर दे दूँ, इसका आंसर होगा हमारा वर। ठीक है, अब देखिए वर आंसर क्यों होगा, क्योंकि वर तो हमारी प्लूरल वर्ब है। अब देखिए ए जो है ये हमारा क्या है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ हमारी निश्चित नहीं है, इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हमारा प्लूरल वर्ब लगेगा, यहाँ पर सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर ए की जगह क्या होता, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो द जो है हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि हमको पता है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स नंबर कितने हैं। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल होगा तो वहाँ पर हमारी हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। आप इसको लिख लीजिए यहाँ पर, अगर कहीं भी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हो सेंटेंस से पहले, जैसे ए हो गया, तो वहाँ पर हमारी जो है वर्ब लगेगी प्लूरल, और डेफिनेट आर्टिकल जहाँ पर भी यूज़ होगा लाइक द, तो उसके साथ हमारी जो वर्ब की फॉर्म लगती है वो लगती है हमारी सिंगुलर वर्ब। तो इनडेफिनेट आर्टिकल है यहाँ पर ए, तो इसके साथ वर्ब की फॉर्म क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी, जो कि हमारा वर होगा। तो गाइज़ यही थे आज के कुछ क्वेश्चन, उम्मीद करूँगा वीडियो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा, जो लोग नए स्टूडेंट हैं और जो पुराने स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, वो लोग थोड़ा वेट करें, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आगे ऐड होंगे। इसके बाद नाउन का चैप्टर भी हमारा चलेगा, दो तीन दिन क्लासेस इसकी ले लेता हूँ ऐसे ही, पहले नॉर्मल से क्वेश्चन है जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, उसके बाद जो है आप आगे क्लास लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, फिर नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, कंजक्शन के जो इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उनके ऊपर हम वीडियो करेंगे। ओके, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।